हमसे पूछा किसी ने कि नवरात्रि पर्व चल रहे, माता जी के इतने सारे हाथ क्यों होते हैं? आप भी जान लीजिए, देखिए हर शरीर को शक्ति की जरूरत लगती है, वो पुरुष हो या महिला। अगर आपका शिव है तो शक्ति आपकी श्वास है, और शक्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे माताओं की भुजाएं प्रदर्शित करती हैं, पहली दो भुजाएं एक पिति बनकर माता पिता से स्नेह करना और उनका ध्यान रखना, अगली दो भुजाएं इतनी छोटी बहनों का भाइयों का ध्यान रखना, सुरक्षा प्रोवाइड करना उनको, अगली दो जो भुजाएं हैं तीसरे नंबर की अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सरस्वती माता शिक्षा ग्रहण कर एक मित्र के साथ शिक्षा ग्रहण करना, और चौथी दो भुजाएं हैं वह शक्ति देती है आपको एक पत्नी बनकर या पति बनकर सुखद दाम्पत्य जीवन निभाना, और पांचवी अंतिम दो भुजाएं हैं वह पत्नी एक माँ बनकर या पति एक पिता बनकर हम जो भी माता पिता से प्यार किसने किया है वह बच्चों का ध्यान रखना। तो यह पांच शक्तियां हैं जो पांच रूप से आपके शरीर में है, और आप भी कहीं ना कहीं किसी भी रिश्ते से परेशान होंगे उस शक्ति को याद कर माता रानी को समर्पित करें, जीवन आपका है, सुझाव मेरा।